So now Sangram is taking me to meet his friend. I don't know what's going to happen. I might make a reel with him. Because जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे तो मेरी कोई फोटोग्राफ्स खींची नहीं गई ना मेरा रील बनाया गया तो आई थिंक अभी मैं संग्राम के फ्रेंड के साथ रील बनाने वाली हूँ. ठीक है संग्राम, यू कैन क्लिक द वीडियो. यस आई कैन क्लिक द वीडियो. हां एंड यू आर गोइंग टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड. तो आई थिंक वो रील जो मैं इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाऊंगी शायद वो ट्रेंड होगी और उससे शायद फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बढ़ जाएंगे. वो ट्रेंडिंग वायरल वाली रील बनाना. हाँ ठीक है संग्राम, तुमने अपने वो पीआर को फोन किया कि राइटअप्स कहाँ आ रहे हैं, क्या मूवमेंट है? क्योंकि देखो पूरा दिन निकल गया, अभी शाम के 5 बज गए हैं. फिर क्या होगा, मैं तुम्हें पूछूंगी, तुम मुझे बोलोगे कि तू चिल्ला रही है, फिर तुम्हारे जो बॉय गैंग होगा वो बोलेगी मैडम गुस्से में, तो मैं तो बात ही नहीं कर रही, ना मैंने किसी को हायर किया है. तो कुछ तुम्हारा वो जो इतने सारे लोग कल आए थे, मतलब क्या वो कार्टून सर्कस था, क्या था? बिकॉज मेरे को तो तुमने एंकर बना दिया, खुद तुम लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था क्या सवाल जवाब करना है. अब जो भी सवाल जवाब मैंने किया वो छपा है नहीं छपा है? I'm recording you, संग्राम, ये मत बोलना फिर के ओके अच्छा यू आर टॉकिंग टू मी. No, Sangram, you very well knew I'm talking to you. I was talking to you before and you were not replying. That is why I started recording you. आप अगर कंपनी को यूज भी कर रहे हैं तो आप तो बेवकूफी कर रहे हैं. आपने अपने पी आर को पूछा भी नहीं है क्या मूवमेंट है, क्या है, क्या अपलोड है, वहां पे जितने भी वीडियोज आए थे कहाँ है, वेरा दे, उन्होंने क्या अपने पर्सनल उसके लिए शूट किया है? दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू शूट मी फॉर पर्सनल स्पेस कमिंग टू माई इवेंट. संग्राम आई एम टॉकिंग टू यू. मैं भेज रहा हूँ पहले, मैं काम में एक चीज में. अगर आपको नींद आ रही है तो अभी आप होटल जाइए. आप 5 बजे सो रहे हैं. अमित मालवीय जी, अमित मालवीय जी, अमित मालवीय जी, डी खोल दे भैया, खोल रही है जी, खोली भैया. मेरे फोन में बैटरी नहीं है तो मैं ये लेके चलूँ. तो चलो सीधा सीधा सीधा. ये स्कूटी वाला इस तरफ हो रही है. अरे यहाँ से एंट्री होगी ना, जो तुमको जहाँ पे जा रहे हो उनकी बात सुननी पड़ेगी ना. सो आई एम गोइंग. यामी जी से बात करना है. यामी जी से बात करना है.
व्हाट इज दिस नॉनसेंस ये तो ये नहीं बोला क्यों मैं किसी की शक्ल थोड़ी ले रही हूँ यार नहीं। एक जगह ले रही हूँ मेरे को जगह मेरे को जगह इसमें कहने लगा क्या दिक्कत है ये तो मैं बार बार सुना आती हूँ दो सौ के बाद आई हूँ मुझे लेना है तो फिर मॉन्यूमेंट ले रही हूँ देखते रहता हूँ आपको ट्विटर पे हम लोग सब सनातन के लिए पूरा वो करते रहते हैं तो आपका ट्विटर पे वो पूरा इधर से ले इधर इधर से आएगा अच्छा हरियाणा ले लूँ इसे बाइक ले लूँ गाड़ी कहाँ है उस संग्राम तुमको टिकट मिल जाए तो तुम ले लो ना कोठी मिलेगी बताओ कौन है कट्ठा साहब संग्राम मेट समबडी and he's talking to that person outside beach at the office. Okay. Masoom Sharma. ये हरियाणा का है? तो इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं ना production house में? मैं किसके गाने थोड़े से वो से होते हैं वो बदमाशी वाले टाइप. हाँ तो ठीक है देखेंगे ना अगर कोई लड़की का zone हो कोई लड़की का बदमाशी वाला अलग होता है. So संग्राम जी मुझे अमित मालविया जी ने बोला है आपके आपके खास दोस्त ने कि जाटों को समझाया नहीं जाता जाटों को क्या किया जाता है बहकाया जाता है बहलाया जाता है बहलाया जाता है सॉरी सो नाउ मैं अभी आपको कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करूँगी आई शुड लर्न टू लेट यू बी आपको बहलाना चाहिए कैसे बहलाना है अंगूर से बहलाना है कैसे बहलाना है अंगूर से बहलाना है अंगूर खिला के अंगूर खिला के तो कल का क्या शेड्यूल करें आपका There is no instruction here that tells me that I can make important calls. There is something called sense. There is something. Don't shout. I'm not you have no right. See, you have a problem, go complain to the authority. Go outside and do your business. Don't talk to me directly. You don't know what go is sense. Go outside. Bhaiya, aapka manager kaun hai? Manager kaun hai? Bhagav Jara. Mere se jhagda nahi kar. Bhagav Jara. Manager ko bolo. मेरे से झगड़ा ये आदमी मेरे से झगड़ा नहीं कर सकता ये मेरे से झगड़ा नहीं कर सकता इनको बोलो मेरे से बात मत करें इनको बोलो मेरे से बात मत करें दिस मैन इज टॉकिंग टू मी ही हैज नो राइट टू टॉक टू मी हाँ इनको बोलो मेरे से चिल्ला के बात मत करें मेरे से धमकी मत दें मेरे को बुली मत करें मेरे साथ बात मत करें ठीक है इनको बोलो डिस्टेंस रखें इनको कोई ग्रीवियंस है आपके मैनेजर को जाकर ये एक न्यूट्रल स्पेस में है इनको मैनेजमेंट को जाके कंप्लेंट करो आप मैनेजमेंट को जाके कंप्लेंट करो हाय स्वामी भाई योगा ये योगा रूम में है ना कोई रूल नहीं है योगा करते करते बात नहीं कर सकते मैं तो बात कर रही हूँ यहाँ पे म्यूजिक भी आता है बिकॉज इट्स अ होटल ना सो दे हैव देयर म्यूजिक बीइंग प्लेड जस्ट लाइक यू नो आप अगर एक पब्लिक स्पेस में जाएंगे तो कैसा होगा म्यूजिक प्ले होगा पब्लिक स्पेस में आप कुछ बोल नहीं सकते एनीवेज अभी मैं निकल रही हूँ फ्रॉम हियर टू अहमदाबाद वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ संग्राम आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम स्पॉन्सर यू कॉल देम एफिलिएशन एसोसिएशन उनका भी पेमेंट होना बाकी है हु सैट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस बट एनीवेज लेट मी सी वो क्या होता है बिकॉज ये सब कॉन्टैक्ट संग्राम के हैं तो जब वो संग्राम के कॉन्टैक्ट्स हैं तो लेट देम यू नो गिव द फाइनल कॉन्वर्जेशन दैट दे वॉन्ट टू गिव टू संग्राम बिकॉज अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर संग्राम बोलेगा कि मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं सो
सो विदाउट गिविंग एनी पेमेंट दे वर सिटिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस टू द कंपनी अकाउंट, यू अंडरस्टैंड? तो ये लॉजिक है. सो अभी हम बैठ के अपना योगा करके स्टीम लेके एयरपोर्ट के लिए निकलेगा. होटल को बोलेगा भैया हमारा बिलिंग बताओ सो दैट हम बिलिंग क्लियर करें, बिकॉज मैं पहले निकल रही हूँ. सलाम इज गोइंग टू हिज विलेज. आई वुड हैव लव टू गो टू द विलेज बट इट्स जस्ट दैट यू नो सलाम हैज सम वर्क समवेयर एल्स ऑल्सो, तो मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती. फिर विलेज से मैं वापस आऊँ और फिर मैं फ्लाइट पकड़ूँ दिल्ली की, तो क्या होता है खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि विलेज में भी क्या है होटल में भी रहने का खर्चा होता है. सो वाई वेस्ट मनी, नो नॉट रिक्वायर्ड. संग्राम शायद अपने घर पे रह लेगा बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर हिम टू स्टे एट हिज हाउस. मैं वहाँ पे रह नहीं सकती बिकॉज वहाँ पे देखो बात वो चीज़ की नहीं है कि मुझे कुछ वैसे है, बिकॉज हम रियलिटी शोज करते हैं तो वी आर यूज टू एडवर्सिटीज. बट क्या है वहाँ पे इंडियन टॉयलेट है, सब कुछ है. इंडियन टॉयलेट आई लाइक क्योंकि मैं रियलिटी शोज में भी इंडियन टॉयलेट प्रेफर करती हूँ फॉर हाइजीन पर्पस. बट थोड़ा दिक्कत होता है ना बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं, तो चेंज करने में ये करने में तो वाई टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ डिफिकल्टी, नॉट रिक्वायर्ड ना. तो माता जी पिताजी को तो भी मैंने संग्राम को बोला है बॉम्बे बुलाओ सो दैट उनको भी थोड़ा बॉम्बे का यू नो एटमोसफियर दिखे एंड ही दे आर एबल टू काइंड ऑफ सी समथिंग विच इज अदर देन विलेज लाइफ फॉर देम, बिकॉज ओल्ड है ना, ओल्ड पीपल आर ओल्ड पीपल. यू हैव टू डू वॉट एवर यू हैव टू डू. और यहाँ पर मैं योगा कर रही हूँ, अगर कोई योगा वाला आएगा मतलब योगा करने के लिए तो मुझे फिर कैमरा बंद करना पड़ेगा बिकॉज योगा करते करते सिर्फ पायल ही बात करती है, बाकी सब बात नहीं करते, बाकी सब ध्यान में होते हैं, आपको पता है. ठीक है, दैट्स द जोन. ओके बाय. आई हैव टू क्लियर बिल्स फ्रॉम द कंपनी अकाउंट बिकॉज बहुत चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ती है जब आप बिजनेस कर रहे हैं कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किन किन ब्रांड्स का लोगो लगा है, वो लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या वो मेन स्पॉन्सर हैं या एसोसिएटर हैं, साइड है, क्या वो पैसे दे रहे हैं, क्या वो मीडिया नेट दे रहे हैं. बिकॉज जब आप इवेंट्स करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप समझ जाते हो. जैसे मैं समझ गई कि पीआर को एडवांस पेमेंट देने के बाद भी कोई लॉजिक नहीं बना, उसको यही नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना क्या है, बात क्या करनी है, वो तो बस बैठे हुए थे बुद्ध की तरह. बट अभी मैं यहाँ पे उनकी निंदा क्या करूँ, जो होना था वो हो गया. जो फोटोग्राफर आया था ही वांटेड मी टू शूट विद हिम फॉर सम डिफरेंट ब्रांड्स. मैं क्यों बैठ के फोटो शूट करूँ फॉर सम डिफरेंट ब्रांड्स, क्या वो ब्रांड मुझे कपड़े दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वोकल फॉर लोकल थॉट प्रोसेस, या आर दे पेइंग मी मनी फॉर बिकमिंग देयर ब्रांड एम्बेसडर. ऐसे ही बैठ के थोड़ा मैं फोटोशूट्स करने वाली हूँ. हाँ, मैं जब इवेंट में गई थी तब वो फोटोग्राफर ने कुछ खींचा नहीं आउटफिट का, बट एनी वेज वो मेरे ब्रदर का आउटफिट था, आई कैन यूज इट अगैन एंड आई कैन डू अ फोटोशूट अगैन. रांडी जी के आउटफिट कभी और पहन लेंगे इन सम अदर इवेंट, यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ये सब पॉडकास्ट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल अगेन फ्री एक्टिविटीज. अभी फ्री एक्टिविटीज भी आप तब करो जब सामने वाला कोई लेवल का हो. ऐसे ही आड़े तिरछे लोगों के साथ पॉडकास्ट करो जिनके नकली लाइक्स और व्यूज है और उनको आप इन्फ्लुएंसर्स की तरह अपने सामने बिठा दो जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे लाइक्स रखते हैं, तो गलत है ना. एनीवेज, गॉट टू गो, बाय. नहीं नहीं मैं देखो सुनो, ये आदमी कोई बैठा हुआ था यहाँ पे, वो मुझे बोल रहा था कि राम के चांट्स मत सुनो क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है. तो आई सेड ठीक है, ये जो होटल का साउंड आ रहा है वो साउंड से मैं राम की चांटिंग सुन रही हूँ.
तो वो बोलता है कि नहीं, तो ऐसे आप किसी को बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को वो डांट नहीं सकता ना, ही इज अ थर्ड पार्टी। ऐसा खुला रखा बिकॉज ये साउंड आ रही है। तो आपने मिनी बार खाली नहीं कराया, आपने लिकर अलाउ किया है, ये तो गलत है ना। रूम सर्विस खाने के लिए आई कैन अंडरस्टैंड, बट लिकर और मिनी बार, ये आपने दो इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दिए होटल को? वो भी है, उसने जाके रूम्स में चेक किया कि मिनी बार खाली है कि नहीं, एंड लिकर की इंस्ट्रक्शन क्यों? आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ना, आपने होटल को रिटन में इंस्ट्रक्शंस दिए, वर्बल दिए। आप बैठ के रमन के मैसेजेस मुझे दिखाते हो, जहां पे रमन बैठ के आपके ईगो को फीड कर रहा है कि मैडम गुस्से में है, मगर रमन को अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप मिनी बार खाली करो या लिकर सर्व नहीं होगा, तो वो इंस्ट्रक्शंस वो सुन नहीं सकता? उसको बैठ के आपकी ईगो फीड करनी है कि मैडम का मूड खराब है, मैं कुछ भेजूं मेरी नौकरी चली जाएगी, और अभी बैठ के वो आपके इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं लेता अगर आपकी कंपनी कोई इवेंट कर रही है तो? बात पैसे की नहीं है, बात इंस्ट्रक्शंस की है। बकवास करने के लिए ये ड्यूटी मैनेजर के पास टाइम है तुमको पर्सनल मैसेजेस भेजने के लिए कि मैडम का मूड खराब है, ने मैडम ये, ने मैडम वो, और खुद बैठ के लिकर अलाउ हुआ है, मिनी बार अलाउ हुआ है। जब आपको वो सेम वेफर्स बाहर सस्ते में मिल रहे हैं तो आप मिनी बार क्यों यूज करोगे जब आप एक इवेंट पे आए हो? और आप खुद अपने आप को एक स्टार्टअप बोल रहे हो जॉर्जिया में, और यहां पर हम एक स्टार्टअप है, तो अगर कंपनी के थ्रू इवेंट कर रहे हैं तो स्टार्टअप जोन में ही इवेंट हो रहा है। अगर मैं जोमैटो से बाहर से ऑर्डर कर रही हूं जस्ट बिकॉज स्टार्टअप जोन से हो रहा है, तो फिर सामने वाले को लिकर कैसे अलाउ किया आपने? ये तो गलत है ना, इसलिए मेरे को पेमेंट क्लियर नहीं करनी होती आपकी सारी। आपने पीआर में गड़बड़ करी, आपने रूम में गड़बड़ करी, आपने बैठ के, मैं बाहर जाके जोमैटो से खाना ऑर्डर कर रही हूँ सो दैट स्टार्टअप के कंपनी में प्रॉब्लम ना आए, बिलिंग का नहीं हो, और आप लिकर अलाउ कर रहे हो, 24/7 मिनी बार अलाउ कर रहे हो, ये तो गलत है। आप अपने उसको बोलिए, दूसरे को बोलिए, बाकी चीज होंगी नहीं। ये जो पैसा दिया ना, अभी बस करवा हुई है, बिल्कुल गलत बात है। To Ahmedabad because it's my brother's birthday on 7th and Ganpati ji, so we will celebrate Ganpati ji in Ahmedabad because Sangram is going to his village and then he has to go to Georgia, so alone I don't want to celebrate Ganpati ji in Bombay, so we will celebrate Ganpati ji in Ahmedabad. Okay. Geography.